वेलकम टू अवर चैनल कैट के मेरठ। और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोडेस्क पावर मिल की। और 2019 मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो कि सिमिलर ही है 20 से ऑटोकैड ऑटोडेस्क पावर मिल 2020 और 19 बिल्कुल सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हम बिल्कुल इनिशियल से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑपरेशन कैसे लेने हैं, टूल कैसे लेने हैं, वर्कपीस कैसे डिफाइन करना है, वो सब कुछ मैं आपको इसके अंदर डिफाइन करके दिखाऊंगा और प्रॉपरली सब कुछ सिखाऊंगा। और इसकी पूरी सीरीज़ हम यहाँ से शुरू करेंगे इसके अंदर। और अगर आप इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, पावर मिल ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है जो कि पहले डेल कैम के नाम से आता था। डेल कैम भी कंपनी ही है जिसका सॉफ्टवेयर था ये पावर मिल, अब ये ऑटोडेस्क का हो गया है। और इसका इंटरफेस बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे ऑटोडेस्क के बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सभी का इंटरफेस कुछ इसी तरीके से डला हुआ है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिक इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इधर आप देखेंगे एक्सप्लोरर है, जैसे कि सभी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ों को ऐड करते हैं और एडिट कर सकते हैं चीज़ों को, वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, वो सब यहाँ पर ऐड हो जाती है। यहाँ पे व्यू को चेंज करने के लिए और जूम इन जूम आउट करने के लिए, शेडिंग, व्यू, वायर फ्रेम, उन सब को चेंज करने के लिए। और एक ये यहाँ पे आपको क्यूब भी दिखाई दे रहा होगा और ये सेम क्यूब सभी जगह आता है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही आ रहा है। और हमारा जो डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेन है वो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला वर्क प्लेन हमारा आ रहा है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ तो आपको हाईलाइट हो जाएगा कि मेरा वर्क प्लेन अभी कहाँ पर है। यहाँ पर ये 3D में कन्वर्ट हो गया और बोल्ड होकर आपके सामने आ गया है। जो भी बोल्ड, जो भी वर्क प्लेन आपका है तो वर्क प्लेन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वर्क प्लेन के लिए यहाँ पे सेटअप है, यहाँ से भी आप वर्क प्लेन ऐड कर सकते हैं, टूल यहाँ से ले सकते हैं आप। कौन सा ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, टूल पाथ कौन सा जनरेट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से लेंगे। प्रोग्राम वगैरह जनरेट कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टूल पाथ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे टूल है तो इस सेपरेट टूल के लिए ही पूरा दिया हुआ है, इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के सारे टूल्स मिल जाएंगे, यहाँ से ले सकते हैं। बाउंड्रीज़, बाउंड्रीज़ डिफाइन करने का यूज़ यहाँ पे पड़ेगा आपको। जब हम बाउंड्री डिफाइन करेंगे, हमें पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ इतनी पॉकेट कट करनी है, उस टाइम फिर हमें लेना पड़ेगा ये बाउंड्री। सेम ऐसे आगे जाता है पैटर्न, पैटर्न बनाने पड़ेंगे आपको, कौन सा पैटर्न में क्या चीज़ आ रही है, किस चीज़ को हम काटना चाहते हैं, पैटर्न है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ये होल के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से ये फीचर, फीचर मशीनिंग है, फीचर ग्रुप बनाना पड़ेगा। वर्क प्लेन डिफाइन करने के लिए मॉडल, स्टॉक, ये सब धीरे धीरे सब चीज़ आएंगी और सब हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट वर्क प्लेन में जाता हूँ और जो वर्क प्लेन है इसका वो सेट करता हूँ। अभी मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ टॉप में, अदरवाइज़ आपको सेंटर पे लेना होता है तो हम इसे लेते हैं। और कहाँ पर चाहिए आप पॉइंट को क्लिक कर सकते हो, आपका वहाँ पर ही एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। पर अभी आप देखो ये जो है, ये वाला जो है हमारा एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। जो बोल्ड हो रहा है ना, बाहर क्लिक करिए, ये बोल्ड हो रहा है तो ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, जस्ट राइट क्लिक और एक्टिवेट, एक्टिवेट हो जाएगा। और नीचे वाला जो है इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे ऑफ़ कर दोगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा, ये रहा। तो फर्स्ट जो टास्क था मेरा वो मैंने ओरिजिन इसका सेट कर दिया है, यहाँ से वर्क प्लेन, जो कि वर्क प्लेन है, ये काम आपको हमेशा ही करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन कौन सा कोऑर्डिनेट आपके पास है, और यहाँ से भी आप क्लिक करके ले सकते हो। यहाँ पे एरो आ रहा है, इस एरो पे जब आप जाएंगे तो आपको ये वही ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएंगे जो हमने यहाँ से लिए थे, ओके। सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टूल, किस टाइप का आप टूल लेना चाहते हैं। यहाँ पर टूल है, यहाँ से भी टूल ले सकते हैं, तो मैं एक एंड मिल का टूल लेता हूँ। क्लिक करते हैं, एक पॉपअप विंडो आ जाएगी और कितने का डायामीटर रखना चाहते हैं। सपोज़ मेरे को 10 mm का एक डायामीटर का टूल चाहिए और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो लेंथ ही ऑटोमेटिकली इसकी डिटेक्ट कर लेगा, पर अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मेरे को 60 चाहिए, आप 60 ले लीजिए, 60 हो जाएगी लेंथ इसकी। और यहाँ से नंबर ऑफ़ फ्लूट्स कितने चाहिए आपको, वो आप चेंज कर दीजिए। टूल का नंबर आप इनपुट करना चाहते हैं, टूल नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। शैंक, शैंक डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से आप, यहाँ से कोई हमारे पास है नहीं, ऐड करेंगे, ऐड शैंक हो गया। उसकी वैल्यू कितनी रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, और कितनी रखना चाहते हैं शैंक, लेंथ कितनी होनी चाहिए वो लेंथ भी आप डाल सकते हैं।
ओके होल्डर, फिर होल्डर भी आप ले सकते हो, ऐड यहाँ से ऐड कर देते हैं। होल्डर कितने का होना चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं, होल्डर हमें कितने का चाहिए वो डायमेंशन यहाँ पे इनपुट कर दीजिएगा। लेंथ कितनी की होनी चाहिए वो लेंथ इनपुट कर सकते हैं, और फिर मेरे को एक और ऐड करना है तो एक और ऐड ऊपर हो जाएगा। ओके तो मेरा टूल हो गया है, और टूल को डिफाइन करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप ऑटोकैड से डिफाइन करके ला सकते हैं, कोई 2D कर्व से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो कई सारे मेथड हैं जो कि हम बाद में देख सकते हैं। अभी हमने एक टूल बना लिया, टूल देखिए उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। होम पे आते हैं, अब तीसरा काम मेरे को क्या करना है, मुझे इसका एक स्टॉक डिफाइन करना है, किस में से मैं इसे कट करना चाहता हूँ। ये तो मेरा एक पार्ट है जो कि फिनिश हो चुका है, बन चुका है वो पार्ट है। अभी मैं चाहता हूँ किस में से ये बन के आना चाहिए, रॉ स्टॉक जो है वो हमें डिफाइन करना है। यहाँ से आप ले सकते हो ये रहा ब्लॉक, आप यहाँ से ले सकते हैं ब्लॉक, यहाँ से आ जाएगा आपका, और स्टॉक मॉडल यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी ऑप्शन है, पर हम यहीं से होम में ही जाते हैं, और यहाँ से मैं जाके यहाँ से लेता हूँ ब्लॉक। अब ब्लॉक के अंदर जब आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसे कैलकुलेट कर लेगा जो आपका पार्ट है उस पार्ट को, और इसकी ट्रांसपेरेंसी और ओपासिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, ब्लॉक कितना डार्क चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ठीक है इतना रखिए कम से कम इसकी विजिबिलिटी आए कि आपने ब्लॉक ले रखा है। यहाँ से कैलकुलेट करने से क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करता है, एक्टिव वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप यहाँ से वर्क प्लेन चेंज करेंगे तो ये ब्लॉक भी हमारा चेंज हो सकता है एक, तो कैलकुलेट करने से ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं, इसके बाकी ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये शुरू के तीन काम करने के बाद अब मेरे पास है टूल पाथ, आप टूल पाथ यहाँ से ले सकते हैं, टूल पाथ यहाँ से भी ले सकते हैं, क्लिक करिए टूल पाथ। अब यहाँ पे आएंगे तो ये फेवरेट, फेवरेट में जिस पे स्टार बना हुआ है ये हमारे फेवरेट हैं, आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग स्टार पे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशन उनको आप फेवरेट में ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। मोस्टली ये कंपनी ने जो दे रखे हैं वो ये वाले दे रखे हैं जो कि ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ते हैं, बिल्कुल वही ऑप्शन ये दिए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं 3D एरिया क्लीनिंग, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। 3D एरिया क्लीनिंग, 3D में कहीं पर अगर आप कट कर रहे हैं, ठीक है, रफिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाले ऑप्शन हैं। किसी कर्व के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कर्व के अकॉर्डिंग मशीनिंग करना चाहते हैं तो कर्व की मशीनिंग। फीचर, फीचर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपका बॉस बना हुआ है, पॉकेट बना हुआ है, फेसिंग करना चाहते हैं तो फीचर मशीनिंग है। फिनिशिंग, फिनिशिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे फिनिशिंग के ही हैं और डिफरेंट टाइप के हैं जिनको आप 3 एक्सेस, 4 एक्सेस, 5 एक्सेस तक में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के कुछ ऑपरेशन हैं, ड्रिलिंग के मेथड दे रखे हैं, ये पोर्ट्स ट्यूबिंग के लिए, रिब्स, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको काफ़ी सारा। तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, 3D एरिया क्लीनिंग। 3D एरिया क्लीनिंग सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाला ऑपरेशन है, रफिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसी को ही क्लिक करते हैं और मॉडल एरिया क्लीनिंग में क्लियरेंस में जाएंगे और ओके यहाँ पे आ जाएंगे। ये विंडो आ जाएगी एक आपके सामने, आप कोई भी ऑपरेशन लेंगे ये इस टाइप की एक पॉपअप विंडो आपको सामने मिल जाएगी। आपको इसी विंडो को ध्यान रखना है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी और दिखाई भी देने लगेंगी, ठीक है। आप टूल पाथ का नाम कुछ रखना चाहते हैं रख लीजिए, सपोज़ ठीक है मैंने इसका नाम रफिंग एक रख लिया, रफिंग आप टाइप कर दीजिए जो भी नाम रखना चाहते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके तो सबसे पहले वर्क प्लेन में आता हूँ और वर्क प्लेन नंबर 1 ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ये रहा जो हमारा प्रीवियस वाला था वो ST करके कुछ था और जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरा 1 है। ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, आपने वहाँ पर नहीं किया तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टूल, टूल ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, 1 नंबर का टूल है, 10 का डायमीटर का है, 60 की लेंथ है, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। टूल का लेंथ, नंबर ऑफ लूट, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। मशीनिंग में इसे मशीन टूल में लिमिट्स में अभी कुछ नहीं करना, सीधा मैं आता हूँ मॉडल एरिया क्लीनिंग, और मॉडल एरिया क्लीनिंग के अंदर आने पे क्लियरेंस के अंदर आप देखिए ये स्टाइल आ रहा है। स्टाइल क्या है ये, इसका कटिंग का मेथड है, रास्टर, रास्टर में देखिए कैसे चलेगा ये, टूल पाथ को दिखा रहा है किस पैटर्न में कटिंग करने वाला है, ये उसका पैटर्न है किस पैटर्न में टूल पाथ कट करेगा, मॉडल के अकॉर्डिंग जैसा मॉडल की शेप है उसके अकॉर्डिंग कट करेगा। ऑफसेट, ऑल ऑफसेट सभी चीज़ को ऑफसेट करता हुआ लेगा। वोटेक्स, कोई वोटेक्स आप डिफाइन करेंगे तो ठीक है। मॉडल एरिया ये वाला भी ठीक है, अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको अभी यही लेता हूँ। और यहाँ से जो सबसे मेन और बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले ले लेते हैं,
तो स्टेप ओवर क्या है, देखिए जो जो लाइंस आ रही है ना इनके बीच का गैप जो है, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आ रही है इनके बीच का गैप जो है वो स्टेप ओवर है। टूल एक बार उठने के बाद नेक्स्ट जो कट लेने वाला है वो कितनी दूरी के बाद लेगा, वो 5। ये कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, टूल से। टूल हमारा 10 का है, तो आप अगर चाहते हैं यहाँ से 5, तो मीन्स 50% ऑफ टूल डायमीटर इज स्टेप ओवर। ठीक है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज यू कैन चेंज इट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डाउन। स्टेप डाउन इज नथिंग, इट्स डेप्थ ऑफ कट, टूल एक बार में कितना कट करेगा। तो 5 mm तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं 1 mm लेना चाहता हूँ और एंटर, तो ये 1 mm हो गया। और जो भी आप मैनुअल एडिट करोगे उस पर हाथ बना हुआ आ जाएगा, जो ऑटोमेटिकली है बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, और जो आपने मैनुअली कर दिया है उसके ऊपर ये हैंड बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया 1 का। रास्टर मशीनिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ये फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम बाद में ले लेंगे। और यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, सबको देखेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी सिंपल हमने ये लिया, और क्योंकि फर्स्ट है तो अब कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा टूल पाथ को जनरेट करने में, और तब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल पहुँच पाएँ। और ये जो है इसकी पूरी सीरीज़ हम बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे टू जो भी वीडियोस हैं इसके वो डालता रहूँगा। तो ये हमारे पास टूल पाथ बन के आ गया। अब इसका सिमुलेशन मैं देखना चाहता हूँ, इसको चला के देखना चाहता हूँ कैसा टूल कटेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा सिमुलेशन में। आप सिमुलेशन में जाइए, सिमुलेशन ही तो देखना है हमने। अब यहाँ से ऊपर से आप सेलेक्ट करिए टूल पाथ कौन सा, और टूल कौन सा है यहाँ से वो टूल आप सेलेक्ट करिए। यहाँ से स्पीड है और प्ले, अब प्ले करता हूँ तो देखिए टूल चलना शुरू हो गया। स्पीड आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पोज करा मैंने से और थोड़ी सी स्पीड जो है मैंने इंक्रीज़ कर दी, और प्ले अब देखिए इसके अंदर जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा टूल पाथ है, और जो पिंक कलर से आ रहा है वो हमारा रैपिड ट्रैवल है, जब नॉन कटिंग मूव जो होता है उस टाइम में जब चल रहा है, पिंक वाला ये नॉन कटिंग मूव रैपिड में चल रहा है जब टूल, तब की बात है। तो पूरा ऐसा नीचे तक पूरा काटता हुआ इसको चला जाएगा। तो इसको अभी मैं स्टॉप करता हूँ, और फुल स्पीड से अगर चलाएं तो भी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी। ओके, ये देखिए, और इसे करते हैं पोज, स्टॉप हो जाएगा। और इसको शेडिंग के लिए आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से इसे ऑन करेंगे, अभी ऑफ है, ऑन करेंगे तो व्यू मिल आ जाएगा, इसे क्लिक करता हूँ मैं।